हेलो एवरीवन आई लव इना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला इन आर लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डील अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है अब हम एंट्री ले रहे हैं रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स के तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्जैक्टली होता क्या है ये हमने पढ़ लिया था अब जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो चुका है तो ह्यूमन बींग्स में कैसे होगा प्लांट्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि प्लांट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन्स के बारे में जैसा कि हमने बोला था कि हमें जो भी रिप्रोडक्शन पढ़ना है वो हमें दोनों का पढ़ना है दोनों मतलब प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स का तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींगस का रिप्रोडक्शन सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग एग्जैक्टली होता क्या है जैसे हमने मेल फीमेल की बात की थी वी नो एक्जैक्टली छोटी छोटी चीजें जो है वो हमें पता है कि मेल होता है फीमेल होता है दोनों का एक एक सेल आता है और उसके कॉम्बिनेशन से बनता है जायगॉट एंड देन एम्ब्रियो एंड देन बेबी बट इसका जो वो कंप्लीट प्रोसेस है जो एक वो बड़ा सा प्रोसेस है नाइन मंथ्स वाला वो हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली exactly होता क्या है किस तरह से ये जो डीएनए है वो कॉपी होता है किस तरह से जो है मेल और फीमेल का जो मेल और फीमेल के जो गमिट्स है वो किस तरह से मिलते हैं और वो किस तरह से जो है वो फर्टिलाइजेशन करते हैं और उससे हमारा बीबी फॉर्मेशन -बी होता है तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स चलिए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींगस ये हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि प्लांट बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमसे और हम लोग जो होते हैं ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं दैट इज वाई प्लांट का जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन था वो बिल्कुल डिफरेंट था और जो ह्यूमन बींगस का सेक्शुअल रिपोडक्शन होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा और ह्यूमन बींग्स के अंदर कभी भी असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता बिकॉज हमारे अंदर क्या मेल और फीमेल का डिस्टिंगशन है अगर हमारे अंदर मेल और फीमेल के डिफरेंसेज हैं ना टू है यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में भी टू डिफरेंसेज होते हैं लाइक फर्स्ट वन इज मेल सेकेंड वन इज फीमेल तो जब मेल और फीमेल वाला पोर्शन है दैट मीन्स हमारे अंदर असेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता बट हाँ हमारा जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा वो प्लांट से फार डिफरेंस होगा प्लांट का जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो हम ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा चलिए नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है तो जैसा कि हमने पढ़ा था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का नाम आते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक होगा कि मेल और फीमेल का फ्यूजन मतलब मेल गमिट और फीमेल गमिट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन जयगॉड एम्ब्रियो ये सारे नाम हमारे दिमाग में घूमेंगे है ना तो मेल और फीमेल गमिट्स का जो फ्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और उससे बनता है जायगोट जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बनते हैं हम ये सारी चीजें हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं ये हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है तो अब जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है तो भाई ये तो आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है कि रिप्रोडक्शन किसका रिजल्ट है मेल और फीमेल गमिट के फ्यूजन का रिजल्ट है जिसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन से बनता है बेबी दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिगेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बट देर आर टू डिफरेंट थिंग्स फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है बट जो ह्यूमन बींगस है उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ह्यूमन बींग्स के अंदर आज सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा कुछ ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्शुअल मोड ऑफ रिपोडक्शन होगा बिल्कुल नहीं हमारे अंदर मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑलवेज सेक्शुअल रीप्रोडक्शन होगा जहाँ पर मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन होना इज कम्पल्सरी उसके बिना हमारे अंदर रिपोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स के स्ट्रक्चर की ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कैसे नजर आते हैं हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहाँ है कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें हमें देखनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले जैसे हमने प्लांट के अंदर फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं और कैसे वर्क करते हैं सेम थिंग इज यर कि हमें हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या पढ़ना है सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन जो पार्ट्स है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है हमारे वो कहाँ है किसके अंदर कौन सा है कौन सी चीज कहाँ से आएगी क्या होगा चलिए तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं आई थिंक आपने अपने बचपन की फोटो देखी होगी और अपने सिबलिंग्स की बचपन की फोटो देखिए और अदर बेबीज़ को देखिए क्या वो सारे सेम नहीं नजर आते बेबीज को देख के क्या हम बता सकते हैं उसकी उसका फेस देख के कि ये लड़का है या लड़की है या उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख के हम उनको बिल्कुल भी पहचान नहीं सकते अगर किसी लड़के को मतलब अगर बेबी को कोई बॉय है अगर बेबी बॉय है उसको अगर फ्रॉक पहना दी जाए तो हम बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये लड़का है ये लड़की नहीं है और सेम थिंग इसकी अगर एक गर्ल बेबी है बेबी गर्ल है और उसको हमने क्या किया है आ, पैंट और इसे पहना दिया है तो फिर हम उसको बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि, कि वो एक लड़का है मतलब जो बचपन में जो बच्चे होते हैं उनको हम बिल्कुल भी देख के नहीं बता सकते कि वो लड़का है या वो लड़की है तो ये हम क्यों नहीं बता सकते और जैसे 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 ऐसे बड़े होते जाते हो वैसे वैसे वैसे, वैसे क्या होता है वो डिफरेंस दिखने लग जाता है कि ये लड़का है और ये लड़की है चाहे वो कोई भी कपड़ों में है चाहे वो किसी भी स्ट्रक्चर में है कहीं भी अगर वो है तो हम पहचान लेते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है ये हम डिफरेंस कर पाते हैं तो ये हम क्यों कर पाते हैं आइए देखते हैं ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं वो बाईसेक्सुअल नहीं हो सकते बिकॉज यूनिसेक्सुअल क्यों होते हैं बिकॉज हमारे अंदर जो होता है वो सेपरेट सेक्सेस है जो मेल है वो फीमेल के पार्ट्स उसके अंदर नहीं होंगे और जो फीमेल है उसके अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होंगे राइट तो कपड़े भले ही हम चेंज कर सकते हैं बट हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज नहीं होंगे जो मेल है उसके अंदर मेल के कैरेक्टर्स होंगे जो फीमेल है उसके अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स होंगे इसी वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे उन दोनों के बीच में कि ये मेल है और ये हमारा फीमेल है तो उन डिफ्रेंसेस के क्या होता है हम आराम से डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो यूनिसेक्शुअल होते हैं मतलब जो मेल होगा उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और जो फीमेल होगी उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो हमारे पास टू सेक्सेज हो गए मेल एंड फीमेल द इंडिविजुअल ऑफ द टू सेक्सेस शोज इन डिस्टिंक्टिव फीचर्स कॉल द सेकेंडरी सेक्शुअल कैक्टरिस्टिक्स जो इंडिविजुअल सेक्सेस है जो मेल है और जो फीमेल है दोनों के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी क्यों प्राइमरी तो कुछ और ही होता है प्राइमरी क्या होता है हमारे ऑर्गन्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दे आर प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टर जो हमें बचपन से ही मिल जाते हैं मतलब अगर हम हमारे Uh, जो बेबीज़ होते हैं उन बेबीज़ के अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखा जाए मतलब उनके ऑर्गन सिस्टम को अगर हम देखा जाए तो जो आउटर स्ट्रक्चर होता है जिसको देख के हम बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या है हमारा प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टर है वो ह्यूमन बींग्स का प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स कौन से होंगे जिनको कि हम देख नहीं पाते हैं वो हमारे एक एज के बाद हमारे अंदर दिखना शुरू होते हैं जिसकी वजह से हम डिफ्रेंस कर पाते हैं दोनों जो सेक्सेस है उन दोनों के बीच में कि ये मेल है और ये फीमेल है तो जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स की बात हम करेंगे अभी आगे सच डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आर प्रेजेंट इन ऑल द एनिमल्स ये जो फीचर्स होते हैं ये सबके अंदर प्रेजेंट है अब ये कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं तो ये मेल को देख के आपको क्या समझ में आता है क्या वो बाल छोटे रखेंगे इसलिए वो मेल है तो अगर फीमेल ने बाल छोटे रख लिए तो तो क्या वो मेल बन जाएगी बिल्कुल नहीं उनके कैरेक्टर्स क्या होता है तो उनका हम फेस देख के उनका बॉडी स्ट्रक्चर देख के भी हम बता देते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है तो फीमेल में क्या डिफरेंस होगा मेल में क्या डिफरेंस होगा तो फीमेल की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ना और जो मेल की वॉइस होती है वो थोड़ी सी टफ होती है या थोड़ी सी हम बोल सकते हैं भारी आवाज जो होती है वो मेल की होती है तो उनकी वॉइस सुन के भी हम बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है राइट जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है दोनों के अंदर तो कुछ ऐसे पार्ट्स है कुछ ऐसे फीचर्स है जिनको हम देखते ही बता देंगे कि ये मेल और फीमेल है अब उनके वो फीचर्स कौन से है वो कैसे आते हैं तो जब हम बात कर रहे हैं हमारे बचपन की तो बचपन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था बचपन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कहाँ नहीं था चलो देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर अब ये जो है अब इसको हम देख के कोई बता सकते हैं कि ये मेल है और फीमेल है बिल्कुल नहीं इनको हम देख के ऐसे नहीं देख के बता सकते कि ये मेल है और फीमेल है जब तक कि हम इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नहीं देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक बार अगर हम साइड में रख के बात करें तो जब इन बेबी ने अगर फ्रॉक या कुछ पैंट जैसा कुछ पहना हुआ है तो क्या हम देख के उसको बता पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है क्या ये बेबी बॉय है या ये बेबी गर्ल है बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कुछ टाइम के बाद में भी अगर आप देखोगे तो आप नहीं बता सकते वन और टू ईयर्स तक तो एटलीस्ट आप नहीं बता पाएंगे कि ये मेल है और फीमेल है एक टाइम के बाद क्या होता है धीरे 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 जो होती है कि इसकी वॉइसिस में चेंज होता है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होने लग जाता है तो ये जो चेंजेस होते हैं ना उन्हीं की वजह से हम बता पाते हैं कि मेल और फीमेल है तो वो जो चेंजेस होते हैं वो कब आते हैं तो वो एक सर्टेन एज के बाद में आते हैं एक सर्टेन एज होती है हमारी उस सर्टेन एज के बाद में होता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट difference, डिफ्रेंसेज uh, आने लग जाते हैं दोनों के अंदर के जो फीचर्स है वो डिस्टिंग्विश होने लग जाते हैं और वो फीचर्स डिस्टिंग्विश कब होते हैं जब हमारी बॉडी जो होती है वो सेक्स हार्मोन्स को सेक्रेट करने लग जाती है राइट right? हमारी बॉडी जो होती है सेक्स हार्मोन्स को सेक्रेट करती है उसी की वजह से हमारे अंदर जो है वो डिफरेंसेस आते हैं बट एक सर्टेन एज के बाद में उस सर्टेन एज से पहले हमारे अंदर दोनों के अंदर जो होता है कोई फीचर का पता नहीं चलता है बट हाँ एक सर्टेन एज के बाद में जब वो हार्मोन सेक्रेट होने लगेंगे तो हम दोनों की बॉडी के अंदर क्या होंगे चेंजेस होंगे मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होंगे सर्टेन चेंजेस वो चेंजेस क्या है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है और उन्हीं चेंजेस की वजह से क्या होता है कि हम इ दोनों के अंदर डिफरेंस कर पाते हैं कि कौन लड़का है और कौन लड़की है चलिए अब यहाँ तक आने के बाद फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल है थोड़ा और बड़ा होगा बच्चा तो उसके बाद फिर हम बता देंगे कि अच्छा हाँ इसके अंदर ये कैरेक्टर्स आने लग गए इसका मतलब वो मेल फीमेल का जो डिफरेंस है वो समझ में आने लग गया है और जब बच्चा आता है टीन एज के अंदर आने लग जाता है लाइक टेन ईयर्स के ऊपर जब आता है टेन ईयर्स के बाद में जब आता है तब तो हंड्रेड परसेंट हम श्योर हो जाता है कि अच्छा इसको देख के कि हाँ ये लड़का है और उसको देख के बता सकते हैं कि हाँ ये लड़की है मतलब ये जो डिफरेंसेस है ये कब आए एटलीस्ट टेन इलेवन की एज के बाद में आना शुरू होता है क्यों उस टाइम पे हमारी बॉडी जो होती है वो सेक्चुअली मेच्योर होने लगती है और उसके अंदर ऐसे हार्मोन सेक्रेट होने लग जाते हैं जिसकी वजह से उसके से सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो शो होने लग जाते हैं वो विजिबल होने लगते हैं जब वो विजिबल हो रहे हैं दैट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी प्यूबर्टी की एज होती है ऑल दीज कैरेक्टर्स विल अलाइव प्रूबर प्यूबर्टी उस प्यूबर्टी की वजह से आते हैं जो प्यूबर्टल एज होती है वो मेल और फीमेल मतलब लड़का और लड़की के अंदर दोनों के अंदर सेपरेट एज है दोनों की एज जो होती है वो आफ्टर टेन ही आती है आफ्टर टेन इयर्स के बाद में ही होगा ये प्यूबर्टल एज आती है जहाँ पर हमारी बॉडी जो होती है वो सेक्स हार्मोन्स को सेक्रेट करने लगती है और उसकी वजह से क्या होता है हमारे जो फीचर्स है वो डिस्टिंग्विश होने लग जाते हैं कि अच्छा ये मेल के फीचर्स है और ये फीमेल के फीचर्स है लाइक like जो हमारा जो मेल का जो शोल्डर होता है वो थोड़ा सा वाइड होने लग जाता है बट गर्ल्स का शोल्डर वाइड नहीं होता है क्यों नहीं होता है बिकॉज वो मेल का कैरेक्टर है और वो जो मेल हार्मोन है जो उनके अंदर जो सेक्स हार्मोन जो सेक्रेट uh, हो रहा है उसी की वजह से उनके शोल्डर्स जो होते हैं वो वाइड होने लगते हैं बट फीमेल के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कर्वी लीनियर टाइप का होता है वो कर्व वाला होता है दैट इज वाई उनको हम देख के बता देते हैं कि ये मेल और फीमेल है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है ऑलरेडी बट जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिफ्रेंसेस है ओनली ह्यूमन की बात नहीं है ये जो डिफरेंसेस है ना ये एनिमल्स के अंदर भी होते हैं ऑल द एनिमल्स में होंगे अब बोलते हैं ना कि ये मेल है फीमेल है एनिमल्स में तो बोल देते हैं राइट right? तो जो जो ये डॉग डॉग के अंदर भी लाइक देखा होगा अगर मेल है तो हम बोलेंगे डॉग है बट अगर फीमेल है तो हम बोलेंगे बिच है क्यों क्या देख के उनको पता चला बेसिकली उनको देख के हम बता सकते हैं बट सबसे ज्यादा जो डिफरेंसेस होते हैं वो सिर्फ हम हमारे अंदर कर पाते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स जब हम ह्यूमन बीइंग है तो हम हम एक दूसरे को देख के हम इजीली बता पाएंगे कि ये लड़का है और ये लड़की है पर हाँ जानवरों के अंदर भी मेल और फीमेल वाला सिस्टम होता है एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा उनके भी कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे उनके भी कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं वो टाइगर और टाइगर पढ़ाता लायन और लाइनस पढ़ाता तो भाई जो लायन होता है वो मेल ही तो होता है और जो लाइनस है वो फीमेल है राइट अब ये हमें पता है कि जो फीमेल होती है वही हमेशा बेबीज को बर्थ देती है अब चाहे वो कोई भी एनिमल ले लो चाहे ह्यूमन बींग ले लो सबके अंदर यही है जो फीमेल है वही है ना बेबी को बर्थ देगी बट अगर वो बेबी को बर्थ दे रही है तो उसकी एक एज भी तो होनी चाहिए ना सर्टेन एज जिसके बाद उसकी बॉडी जो होती है उस चीज़ के लिए मेच्योर हो जाती है दैट इज इज द प्यूबर्टल एज उस एज को हम क्या कहते हैं प्यूबर्टल एज कहते हैं दैट इज प्यूबर्टी प्यूबर्टी क्या होती है टू द एज एट विच द गमेट्स दैट मीन्स सेक्स हार्मोन्स जो गमेट्स होते हैं मेल गवर्मेट एंड फीमेल गवर्मेट जो सेक्स हार्मोन्स है टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्चुअली मेच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी प्यूबर्टी क्या है एक ऐसी एज है एक वो एज है जिसके अंदर ना हमारे सेक्स हारमोन्स जो होते हैं जो हमारे मेल और फीमेल गमेंट्स होते हैं दैट मीन्स जो गर्ल्स के अंदर जो हमने एग पढ़ाता मेल uh, के अंदर जो हमने स्पॉम पढ़ाता वो कब से शुरू हो जाता है तो वो प्यूबर्टल एज के अंदर स्टार्ट हो जाता है सेक्रेट होना हमारी बॉडी जो होती है वो उन हारमोन्स को सेक्रेट करना स्टार्ट कर देती है दैट मीन्स हम रिप्रोडक्शन uh, के लिए मैच्योर हो रहे हैं हमारी बॉडी जो होती है वो सेक्सुअली मैच्योर uh, हो रही है आफ्टर मैच्योरिंग जो होता है हम एक बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं मतलब जो प्यूबर्टल एज है उस प्यूबर्टल एज के अंदर जो मेल और फीमेल का जो डिस्टिंग्विश होता है जो डिफ्रेंसेज होते हैं दोनों के अंदर वो क्लियरली uh, विजिबल होते हैं वो क्लियरली विजिबल क्यों होंगे बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स हमारी बॉडी जो होती है वो हारमोन सेक्रेट करती है कौन सा हारमोन सेक्स हारमोन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी प्यूबर्टी से पहले वो बिल्कुल नहीं करेगी राइट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी हमारी बॉडी जो होती है वो सेक्स हार्मोन्स को सेक्रेट करना स्टार्ट कर देती है उसको प्रोड्यूस uh, करना शुरू कर देती है दैट इज़ वाई उन हार्मोन की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो सेक्शुअली uh, मेच्योर होना शुरू हो जाती है और आफ्टर मेच्योरिंग जो होता है हमारी बॉडी जो है वो एक बेबी को बर्थ देने के लिए एलिजिबल होना स्टार्ट हो जाती है चलिए जनरली फीमेल प्यूबर्टल एज इज टेन टू ट्वेल्व ईयर्स एंड मेल प्यूबर्टल एज इज थर्टीन टू फोर्टीन ईयर्स तो बेसिकली जो मेल और फीमेल की जो प्यूबर्टल एज होती है ये अप्रॉक्स है इट्स नॉट कंपल्सरी कि इसी एज के अंदर होगा बट हाँ 99 परसेंट जो फीमेल और मेल होते हैं उनकी जो एज होती है प्यूबर्टल एज यही है फीमेल की प्यूबर्टल एज होती है 10 टू 12 ईयर्स और जो मेल की प्यूबर्टल एज होती है वो होती है थर्टीन टू फोर्टीन ईयर्स राइट मतलब जो मेल के जो सेक्स हारमोन्स होते हैं वो हारमोन्स ट्वेल्व टू फोर्टीन ईयर्स की एज में थर्टीन टू फोर्टीन ईयर्स की एज में मतलब इलेवन के बाद कभी भी लाइक थर्टीन टू फोर्टीन ईयर्स की एज के अंदर ट्वेल्व ईयर्स की एज के अंदर क्या होता है वो सेक्रेट होना शुरू हो जाते हैं उसके बाद देखा होगा उनके ना मूँछे आने लग जाती है दाढ़ी मूछ आने लग जाती है उनका जो शोल्डर होता है वो धीरे धीरे वाइड होने लग जाता है उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब वो कहता ना एडल्ट की तरह धीरे धीरे दिखने लग जाता है उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है कई बार देखा होगा ना कि हमारे जो एट्थ स्टैंडर्ड के सेवन स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं या जो नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं जब वो गर्मी की छुट्टियों छुट्टियाँ मना के वापस आते हैं चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है जब वो वो गर्मी की छुट्टियाँ मना के वापस आते हैं तो हम लोग बोलते हैं यार ये तो पहले छोटा सा था ये इतना सा था अब ये बड़ा हो गया अभी अचानक से कैसे बड़ा हो गया भाई कोई जादू हुआ क्या क्या कोई फेरी आई थी कि छड़ी घुमाई और हो गया नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है वो प्यूबर्टल एज की वजह से होता है जिस टाइम पे हमारी ग्रोथ जो होती है वो सडन होती है सडन मतलब ऐसा नहीं है गर्स सुबह उठे तो एकदम बड़े हो गए नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होता बट हां टू मंथ थ्री मंथ मन, फोर मंथ्स के अंदर ना थोड़ा थोड़ा हमारा जो डिफरेंस है ना वो जल्दी दिखने लग जाता है राइट जो पहले आई होप कि आप समझ आए यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि जो पहले जो हमारा डिफरेंस था वो कम था वो बहुत कॉम विजिबल होता है और जो हमारा ग्रोइंग एज होती है वो ग्रोइंग एज कौन सी होती है आफ्टर टेन टेन ईयर्स के एज के बाद हमारी ग्रोइंग एज स्टार्ट हो जाती है जहाँ जनरली पेरेंट्स बोलते भी है कि इसको प्रोटीन ज़्यादा खिलाओ प्रोटीन क्यों ग्रोइंग एज में है बॉडी अच्छे से ग्रो हो जाएगी तो वो जो गर्मी की छुट्टियों के बाद जो वो अचानक से बड़ा होकर आता है ना जिसकी दाडी मुझे धीरे धीरे आने लग जाती है लड़के की और लड़कियां भी जो होती है उनकी वॉइस एकदम सुरीली सी होने लग जाती है वो क्यों होने लगती है वो कोई फेरी नहीं आती है उससे फेरी आके नहीं करती है कि हाँ एक फेरी टेल में से कोई एक फेरी निकल के आएगी या सिंध्राला निकल के आएगी या कोई एक परी से निकल के आई और फरिश्ता आया और उसे छड़ी घुमाई और हो गया ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इसमें क्या होगा प्यूबर्टल एज शुरू हो जाती है बच्चों की तो जो प्यूबर्टल एज होती है उसके अंदर हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और उसी की वजह से ये जो डिफरेंसेस है ना ये दिखने लग जाते हैं तो जो मेल की जो प्यूबर्टल एज होती है वो होती है थर्टीन टू फोर्टीन ईयर्स और जो फीमेल की प्यूबर्टल एज होती है दैट इज़ टेन टू ट्वेल्व ईयर्स राइट इट कैन बी टेन इट कैन बी इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन ऑल्सो ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग ये वेरी करेगी एक के अंदर हो सकता है कि इलेवन ईयर्स की एज में प्यूबर्टल एज शुरू हो गई किसी और के अंदर ऐसा हो सकता है कि थर्टीन की एज में स्टार्ट हुई है किसी के अंदर हो सकता है कि थोड़ा लेट हो गया फोर्टीन की एज में उसकी प्यूबर्टल एज स्टार्ट हुई है इट कैन बी पॉसिबल जो हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो कब सेक्रेट होना शुरू होता है इट डिपेंड्स ऑन दैट थिंग ओनली राइट right? तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी जो होती है उन चीजों को कब विजिबल होना शुरू हो जाएगी ये सारी चीजें तो वो डिपेंड करता है हार्मोन्स पे राइट right? तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है लाइक जो गर्ल्स होती है उनकी प्यूबर्टल एज के अंदर क्या होगा उनकी वॉइस जो होती है वो थोड़ी सी आ, सुरीली होने लग जाएगी हाई पिच वाली वॉइस हो जाती है उनके जो बॉडी होती है वो थोड़ा सा कर्व में आना शुरू हो जाती है उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकल्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं दीज आर द प्यूबर्टल एज नाउ प्यूबर्टी चेंजेस क्या होते हैं मतलब सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे हार्मोन सेक्रेट होने के बाद में शुरू होते हैं वो कौन से हैं इन मेल मेल के अंदर कौन से होंगे मेल के अंदर जैसे कि आपको पता होगा यू आर एट द अर्ज ऑफ योर प्यूबर्टल एज सो आई थिंक यू नो यू रिलेट यू कैन रिलेट दिस आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने साथ में कि हमारी जो एज होती है ये जो एज आपकी ये प्यूबर्टल एज है ऑब्वियसली तो उस टाइम पे जो मेल के अंदर चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं तो उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े से वाइड होने लग जाते हैं उनकी जो डाढ़ी मूच होती है वो आने लग जाती है राइट right? और वॉइस जो होती है वो थोड़ी सी डीप हो जाती है वो एकदम थोड़ी भारी सी आवाज हो जाती है सो वाइडनिंग ऑफ शोल्डर शोल्डर का वाइड हो जाना दैट इज द मेन फीचर जिसकी वजह से उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना वो एकदम चेंज हो जाता है जो मेल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना वो एकदम चेंज हो जाता है जैसे हम बोलते ना इतना सा तो था ये थोड़े टाइम पहले और जब हमने छह महीने बाद देखा तो ये इतना बड़ा हो गया वो बड़ा नहीं हो एकदम से वो उसकी हाइट नहीं बढ़ती है एकदम से नहीं हाइट बढ़ती है थोड़ी हाइट बढ़ रही है बट साथ साथ में क्या होगा शोल्डर वाइड हो जाएंगे तो हमें लगेगा अच्छा ये ज्यादा बड़ा हो गया राइट डीपनिंग ऑफ वॉइस ऑब्वियसली बॉयज़ की वॉइस जो होती है वो थोड़ी सी भारी होने लग जाती है उनकी वॉइस जो होती है दीरे -दीरे वो धीरे धीरे मतलब अचानक से एक तरह से देखा जाए तो कुछ मंथ्स में ही एकदम चेंज हो जाती है पहले की जो वॉइस होती है वो बच्चों वाली वॉइस होती है उसके बाद जो उनकी वॉइस होती है वो एडल्ट वाली वॉइस जो होती है ना वो आने लग जाती है जिससे हम बोलते हैं कि अच्छा ये तो लड़के से आदमी में कन्वर्ट हो रहा है अब वो कन्वर्जन ऐसे नहीं हो रहा है कि मतलब एक किसी चैम्बर के अंदर उसको रखा और अचानक से निकला तो उसमें से सब चेंज हो गया जो वो डोरेमोन वाले जो गैजेट्स होते हैं वैसा कुछ नहीं है वो एज की वजह से होता है राइट ग्रोथ ऑफ हेयर्स अंडर चेस्ट आमपेट्स एंड अराउंड प्यूबिक एरिया प्यूबिक एरिया के अंदर भी ना हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं जो हमारे सेक्स uh, ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके आसपास में भी हेयर आने लग जाएंगे आर्मपेट्स में हेयर आने लग जाएंगे और जो बॉडी के अदर पार्ट्स है ऑर्गन्स जो है उनके ऊपर भी कुछ कुछ हेयर जो हो जाते हैं वो आने लग जाते हैं सो ग्रोथ ऑफ हेयर जो होती है वो एकदम से उनकी बढ़ जाती है पहले नहीं थी बचपन में उनके ग्रोथ ऑफ हेयर नहीं थी जब वो प्यूबर्टल एज में आते हैं तो उनकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ती है राइट अपियरेंस ऑफ बियर्ड एंड ऑब्वियसली दाढ़ी मूछ आने लग जाती है एक टाइम के बाद में जब वो प्यूबर्टल एज में एंटर होते हैं बॉयज तो उस टाइम पे उनकी जो दाढ़ी मूछ होती है वो धीरे धीरे उगना शुरू हो जाती है नेक्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन टेस्टीज ऑफ एनिस जो इनके सेक्स uh, ऑर्गन्स होते हैं लाइक like, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है वो भी जो है वो साइज में थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द बिफोर टेन मतलब टेन की एज से पहले जो होता है वो डिफरेंट है टेन की एज के बाद जो होगा वो उनकी साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आने लग जाता है वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड स्वेट एंड सेबेस्कस ग्लान्ट क्यों होता है ये ये क्या है स्वेटिंग जो होती है वो ज्यादा होने लग जाती है स्वेटिंग ज्यादा क्यों होती है बिकॉज जैसे जैसे आप बड़े होते हैं जैसे जैसे आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं वैसे वैसे होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है तो स्वेटिंग क्या काम करती है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है राइट और कई बार देखा होगा कि एक टाइम के बाद क्या होता है जब आपकी प्यूबर्टल एज स्टार्ट होती है उस टाइम पे आपकी बॉडी के ऊपर ना मतलब फेस के ऊपर ना पिंपल्स और एक्ने होने लग जाते हैं और वो पिंपल्स और एक्ने क्यों होते हैं क्यों क्योंकि हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना वो एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं राइट हमारे हार्मोन्स की वजह से जो हमारे फेस के ऑयल ग्लैंड होते हैं वो एकदम से एक्टिवेट होते हैं और जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे वो क्या करेंगे वो ज़्यादा ऑयल सेक्रेट करेंगे मतलब ऑयल ग्लैंड्स है तो वो क्या करेंगे ऑयल सेक्रेट करेंगे और जब वो ऑयल सेक्रेट कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बहुत जल्दी जमा हो जाते हैं वो बहुत जल्दी वह चिपक भी जाते हैं तो जब वो बैक्टीरियाज चिपकते हैं दैट इज कॉल्ड द पिम्पल पिंपल या एक्ने जो होते हैं वो उनकी वजह से होते हैं इसीलिए बोला जाता है कि उनको फोड़ना नहीं होता है उनको जाके इसे टच नहीं करना होता है क्योंकि टच करते हो तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ से हो सकता है कि आप जहाँ जहाँ टच करोगे वहाँ वहाँ वो बैक्टीरिया लग जाएंगे और हो सकता है कि वहाँ भी आपको पिम्पल्स हो जाए इसीलिए उनको टच नहीं करना होता और जो पिम्पल्स जो होता है ना वो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को जाके दिखाना बिल्कुल नहीं वो हमारे प्यूबर्टल एज की वजह से होते हैं किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं किसी के अंदर कम होते हैं तो हार्मोन्स की वजह से जब ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं राइट right? तो उन एक्टिवेशन की वजह से ही हमें पिंपल से एक्ने होते हैं चलिए ऑयली स्किन अपियरेंसेज ऑफ पिंपल डेफिनेटली डार्कनिंग इन कलर ऑफ द जेनेटल एरिया जो हमारा जेनिटल एरिया होता है मतलब जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पर है उस एरिया में डार्कनिंग होने लग जाती है मतलब वो जो एरिया होता है वो थोड़ा सा डार्क होने लग जाता है पहले उसका कलर हमारी बॉडी के कलर के सिमिलर होता है बट एट द एज ऑफ जो वो एरिया है वहाँ पर हेयर ग्रोथ तो है ही प्लस वहाँ पर क्या होगा थोड़ी सी डार्कनिंग होने लग जाएगी वहाँ का कलर जो होता है थोड़ा सा डार्क हो जाता है चलिए एक बार हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये मेल है इस मेल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं तो इस मेल के अंदर क्या चेंज हुए उस प्यूबर्टी में एट दी एज ऑफ प्यूबर्टी क्या क्या चेंजेस होंगे फेशियल हेयर आने लग जाएंगे डेफिनेटली फेशियल हेयर मीन्स जो मुस्ताश और जो आपकी बियर्ड होती है जो दाढ़ी मूचेज होती है वो सारी आने लग जाती है स्किन गेट्स ऑयलर ऑब्वियसली आपकी जो स्किन होती है वो ऑयलर होने लग जाती है मतलब ज़्यादा ऑयल सेक्रेट करेगी ऑयल लैंड जो होते हैं वो एक्टिवेट होंगे और वो किसको लेके आएंगे पिम्पल्स को लेके आएंगे वो एक्ने को प्रमोट करेंगे राइट शोल्डर गेट वाइडर तो जो शोल्डर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है वो वाइड होने लग जाता है तभी तो उनकी जो ग्रोथ है वो एकदम से दिखने लगती है हमें राइट हेयर अंडर द आर्म्स आर्म्स के अंडर में हेयर शुरू हो जाता है अंडर आर्म्स के अंदर हेयर आना शुरू हो जाते हैं है, और हमारे सेम चीज है हमारा जो प्यूबिक एरिया है जो हमारा जेनिटल एरिया है उसमें भी हेयर आना शुरू हो जाएंगे और बॉडी की चेस्ट पे भी आना शुरू हो जाएंगे मेल के अंदर चेस्ट पे भी हेयर आना स्टार्ट हो जाते है चलिए Hairs, as you know. neck, chest and leg muscles get bigger and stronger is neck jo muscle hoti एंड स्ट्रॉन्गर नेक जो muscles होती है neck muscles, chest muscles, and जो leg muscles होती है वो bigger होने लग जाती है बड़ी होने लगती है धीरे धीरे और stronger भी होने लग जाती है चलिए next one is penis get longer and wider, and testes gets wider. Testes जो होते हैं वो wider हो jata hai जैसे हमने बोला था कि जो हमारे reproductive organs होते हैं वो प्यूबर्टी की एज से पहले थोड़े छोटे होते हैं बट एक टाइम के बाद में जब हमारी प्यूबर्टल एज शुरू हो जाएगी उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली जो है वो उनका साइज जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा बिकॉज वो हारमोन्स सेक्रेट हो रहे हैं उन हार्मोन्स की वजह से ही ये सारे चेंजेस होते हैं और इन्हीं चेंजेस की वजह से यही चेंजेस जो है ये बताते हैं कि आप जो है वो सेक्सुअली मेच्योर हो रहे हो ठीक है चलिए नेक्स्ट वन इज फीमेल जब प्यूबर्टल एज अगर मेल में आएगी तो डेफिनेटली वो फीमेल में भी आने वाली है तो फीमेल में ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं चलिए देख लेते हैं कि मेल के अंदर जो चेंजेस थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है चेंजेस तो फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होने लगेंगे तो फीमेल के अंदर देखिए क्या क्या चेंजेस है हाँ उनको नहीं बोलना है कि ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स है ये प्राइमरी नहीं है प्राइमरी कौन से होते हैं जो हमारे बचपन में से ही हमारे साथ होते हैं कौन से थे तो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास बचपन से ही होते हैं और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं जो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी उसके बाद हमारे पास आते हैं उससे पहले बिल्कुल नहीं आते बिकॉज ऑफ द हारमोन्स राइट right? चलिए फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे वाइडनिंग ऑफ पेल्विस एंड हिप्स जो हिप वाला एरिया होता है जो हमारा लोअर एबडोम वाला एरिया होता है मतलब जो स्टमक एपडोम मीन स्टमक जो लोअर एपडोम का जो एरिया है उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है मतलब हमारे पैरों के पास वाला जो स्ट्रक्चर होता है हिप्स वगैरह होता है ये वाइडर होने लग जाते हैं ये थोड़ा सा जो होते हैं बड़े होने लग जाते हैं एंड हाई पिच वॉइस वॉइस जो होती है वो हाई पिच वॉइस होती है मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो एक तीखी वॉइस जिसको हम कहते हैं वो फीमेल्स की होती है बिकॉज ऑफ द पिच हाई पिच जो होती है वो हाई हो जाती है तो सेम थिंग इसका हम अपोजिट कर सकते हैं ना मेल में कि जो मेल की जो वॉइस होती है वो लो पिच वॉइस होती है राइट बट जो फीमेल में वॉइस है वो हाई पिच वॉइस है चलिए ग्रोथ ऑफ हेयर आर्म पिट्स अराउंड प्यूबिक एरिया सेम थिंग इज कि जो प्यूबिक एरिया होता है या जो जेनेटल एरिया है हमारा या जो हमारे सेक्स जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके उनके आसपास में क्या होता है हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है और योर आर्म के अंदर भी हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाती है राइट right? इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेन थिंग जो प्यूबर्टी की एज में होती है मेंस्ट्रुअल साइक जो होते हैं वो शुरू होने लग जाते हैं तो फीमेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा बताने वाला ये जो पोर्शन होता है कि भाई हाँ ये सेक्चुअली मेच्योर हो रहे हैं तो वो कौन बताता है वो मेंस्ट्रुअल साइक बताते हैं जो आपकी मैंस्ट्रल साइकिल शुरू हो जाते हैं इसका मतलब है कि आप सेक्चुअली मेच्योर हो रहे हैं चलिए ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट हमारे जो हमारा चेस्ट एरिया होता है वो बढ़ने लग जाता है वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है उससे पहले वो इक्वल था आफ्टर दैट क्या होता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी वो धीरे 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 जो होता है वो बढ़ने लग जाता है मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो बढ़ते हैं दैट इज ब्रेस्ट मेच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लाइक फेलोपियन ट्यूब यूट्रस जो सेक्स ऑर्गन होते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के जो इंटरनल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और जो हमें विजिबल बिल्कुल भी नहीं होते है. वो लोअर एबडोम एरिया के अंदर होते हैं लाइक फेलोपियन ट्यूब है यूट्रस like है यूरेथ्रा है, है ये सारी चीज़ें जो होती है वो ऑटोमेटिकली जो होती है वो मेच्योर होने लग जाती है वो मेच्योर होकर क्या करेगी तो वो एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी राइट फेलोपियन ट्यूब के पास ना ओवरीज होती है प्लांट्स के अंदर जैसे ओवरीज थी वैसे ही फेलोपियन ट्यूब के पास में ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल होती है उनके पास क्या होती है ओवरीज होती है जिनके अंदर जो होता है वो एग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं दैट इज अ मेच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स थी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं राइट चलिए डार्कनिंग इन कलर ऑफ द जेनिटल एरिया जेनिटल एरिया जो होता है जो हमारे ट्यूबिक एरियाज जो है या जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेंस है उनके आसपास का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाता है उनका कलर जो होता है वो हमारे स्किन कलर से थोड़ा सा डार्क हो जाता है तो एक बार फिर से आप इन पिक्चर से इसको एक बार समझ लो सो so देट कि आपको अच्छे से याद रहे वैसे ही याद रखने वाली चीज़ ही है कोई रट्टाफिकेशन इसमें नहीं काम आएगा बिकॉज आप उस एज के आसपास ही है यू आर एट द अर्ज ऑफ प्यूबर्टी तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड यू कैन रिलेटेड राइट right? चलिए जो फीमेल होती है उनकी बॉडी क्या होती है कर्वीली कर्वियर होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कर्व्स आना शुरू हो जाते हैं देन स्किन गेट्स ऑयलर ऑब्वियसली अगर मेल की स्किन ऑयलर हो रही है तो ऑब्वियसली फीमेल की स्किन भी क्या होती है ऑयलियर होगी ऑयलियर होने से क्या होगा जो ऑयल क्लांट्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसी की वजह से क्या होता है पिम्पल्स आना शुरू हो जाते हैं चलिए ब्रेस्ट स्टार्ट टू डेवलप जो हमारा चेस्ट एरिया होता है लेट स्टार्ट टू डेवलपिंग वो हमारा डेवलप होना शुरू हो जाता है और वो साइज में भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा प्यूबिक हेयर्स जेनेटल एरिया के आसपास में जो हेयर्स आना स्टार्ट हो जाता है दैट इज द प्यूबिक हेयर वेट गेन ऑन हिप्स हिप्स वाला जो एरिया होता है जो हमारा लोअर एपडोमेंट के पास वाला जो एरिया है हिप्स के पास में क्या होता है वो वाइडर होना शुरू हो जाते हैं सारा जो हमारा फैट होता है बॉडी का वो सारा वहीं जाके डिपॉजिट होने लग जाता है चलिए लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रोंगर अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारा ये जो आ, हिप्स वाला एरिया है और यहाँ से लेकिन यहाँ तक का जो एरिया है उसके अंदर वेट गेन होना शुरू हो जाएगा और जब वेट गेन होगा इसका मतलब है कि वहाँ पर वेट गेन होने से क्या होगा ये जो पोर्शन है ये स्ट्रोंगर होने लग जाएगा तो हमारा जो लेग वाला पोर्सन होता है लेग मसल्स जो होती है वो थोड़ी सी बिगर भी हो जाती है और थोड़ी सी स्ट्रोंगर भी होती है चलिए हिप बोन्स वाइडर हिप बोन्स वाइडर होना शुरू हो जाएंगे या अंडर द आर्म्स आर्म्स के अंदर जो है आर्म में हेयर आना शुरू हो जाएंगे और जो वॉइस है वो हाई पिच वॉइस है वो लो पिच वॉइस बिल्कुल भी नहीं है सो डोंट फॉरगेट इट बहुत ईजी टॉपिक टौ है ये और ये आपको जानना क्यों ज़रूरी है बिकॉज जब हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर जो है ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्शन कर पाते हैं आई होप कि आपको ये प्यूबर्टल एज और ये सब समझ में आया होगा वैसे आप प्यूबर्टी की एज के पास पास ही है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे फर्टिलाइजेशन के साथ में एंड फर्टिलाइजेशन से पहले हमारे ऑर्गन्स जो हमारे मेल ऑर्गन है और जो फीमेल ऑर्गन है ऐसा क्या है उनके अंदर ऐसा क्या प्रोड्यूस करते हैं वो जिसकी वजह से हम फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं सो so, उसके लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का थैंक यू सो मच